हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में बताया और ये कैसे होते हैं। तो इनकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता दी आपको। वैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, मेटल्स है उनको मेलेबिलिटी होती है, इनमें चादर बनाई जा सकती है। डक्टिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी जो होती है वो गोल्ड की होती है। यदि एक इसमें 1 ग्राम हम गोल्ड लें तो 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी जो पाई जाती है वो गोल्ड की होती है। और मेलेबिलिटी पाई जाती है, और इसमें पहचान करनी है आपको। जैसे एल्कली मेटल्स है, फर्स्ट एल्कली मेटल्स, तो देखिए हाइड्रोजन, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये एलिमेंट्स हैं, एल्कली मेटल्स हैं। इसमें देखिए 87 एटम नंबर, इसका 55, इसका 37, इसका 19, 11, 3 और 1। तो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन करें तो 1, इसका 2 और 1, और 2 8 1, और 2 8 8 1। रुबिडियम का देखें तो 2 8 18 और 81, और सीजियम का देखें तो 2 8 18 18 81, और यहाँ देखें तो 2 8 18 32 18 81। तो फ्रांसियम जो रेडियो एक्टिव है, और हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल में आता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम मेटल्स है। मेटल्स क्योंकि इनके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1। तो यहाँ पर देखेंगे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैटायन भी बनाता है और एनायन भी बनाता है, तो ये नॉन मेटल में नहीं, मेटल में नहीं आता है। लिथियम कैटायन बनाता है, सोडियम कैटायन बनाता है, पोटेशियम कैटायन बनाता है, रूबिडियम कैटायन बनाता है और सीजियम कैटायन बनाता है, और ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मीन्स होता है दो एलिमेंट विच प्रोड्यूस एल्फा बीटा गामा रेज, जो एल्फा बीटा गामा रेज निकालते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये अब इसमें देखते हैं कि कौन मेटल है ज्यादा है, कौन सा कम मेटल है, या टॉप टू बॉटम हम चले। तो लिथियम से सोडियम ज्यादा मेटल है, मेटलिक प्रॉपर्टी है, और सोडियम से पोटेशियम ज्यादा है, पोटेशियम से रुबिडियम है, रुबिडियम से सीजियम है। तो ये मेटलिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। तो इस तरह से मेटल कौन सा कम ज्यादा प्रॉपर्टीज है, किसकी कम है, हम मेंडेलीव की पेरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, उससे देख सकते हैं। और इनकी बैलेंस ही देखें तो इनमें आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो मेटल्स होते हैं। और यदि हम यहाँ पर देखें सेकेंड एल्कली मेटल्स हैं, ये एल्कलाइन, इनको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यहाँ पर देखिए बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, और स्ट्रांसियम के बाद बेरियम, और बेरियम के बाद रेडियम। रेडियम के एटम का नंबर 88 होता है, इसका 56 होता है, 38, 20 और 12 और 4। इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन का है तो 2 और 2, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 2, और इसको मैग्नीशियम को और अच्छी तरह से लिख सकते हैं, साफ साफ लिखेंगे मैग्नीशियम 2 8 2 और 2 8 8 2, 2 8 18 8 2, 2 8 18 18 8 2, रेडियम 2 8 18 32 18 8 2। तो हम ये देखते हैं बेरिलियम, इन्हें सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सभी मेटल्स हैं,
और इनका यदि वो करें हम कैटायन बनाए तो बेरिलियम की बैलेंस ही चार जो होगा, चार जो होता है वो बैलेंस ही होती है। एम ई दो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर देंगे, कैल्शियम है प्लस टू हो जाएगा, स्ट्रॉन्शियम प्लस टू और बेरियम प्लस टू। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो टॉप टू बॉटम देखेंगे हम, तो बेरिलियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा, देखिए टेंडेंसी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे की हो तो इंक्रीज होगी बढ़ेगी, तो बेरिलियम से मैग्नीशियम ज़्यादा मेटलिक होगा और मैग्नीशियम से कैल्शियम ज़्यादा मेटलिक होगा और कैल्शियम से स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम से बेरियम ज़्यादा मेटलिक प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाएगी। और ये रेडियम जो रेडियो एक्टिव है तो इसको हम मेटल के उसमें नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं मेटलिक प्रॉपर्टीज जो होती है, फर्स्ट ए के एलिमेंट जो हैं टोटल मेटल्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऐसे हमें पी पर नज़र डालते हैं तो पी के जितने भी एलिमेंट्स उसमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, और डी के सभी मेटल्स हैं, और एफ ब्लॉक में दो आते हैं एक्टिनाइड और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों आते हैं, दोनों मेटल्स हैं। हम देखते हैं एस ब्लॉक में सब मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, डी ब्लॉक में सब मेटल्स हैं और एफ ब्लॉक में सब मेटल्स हैं। एक एक पी ब्लॉक है इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड्स मैंने आपको बता दिया सेवन मेटलॉइड्स हैं और वो कैसे पी ब्लॉक में होते हैं। तो एस ब्लॉक में ये समझ लो हाइड्रोजन छोड़कर सभी मेटल्स हैं, डी में सभी मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक में सभी मेटल्स हैं। तो आप हम आपको एफ ब्लॉक के बारे में बताएंगे, फोकस इधर करिए रुक देव। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बारे में मैंने बता दिया। जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, देखिए एस ब्लॉक होते हैं लेफ्ट में, राइट में पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक और लास्ट में नीचे जो होते हैं वो ए ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो एस ब्लॉक में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन छोड़ते हैं सभी मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में सभी मेटल्स हैं कोई भी नॉन मेटल नहीं है, एफ ब्लॉक नीचे इसमें दो सीरीज होती है, लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट होती है 58 से लेकर 71 तक होती है और एक्टिनाइड सीरीज 90 से लेकर थोरियम से लेकर डोरन से 103 तक होती है। तो इसमें एस ब्लॉक में सब मेटल्स हैं हाइड्रोजन छोड़कर, डी में सभी मेटल्स हैं, एफ में सभी मेटल्स हैं और पी ब्लॉक जो है वो ऐसा है उसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स हैं। तो आपको इसमें बताएंगे मेटल्स और ये पी ब्लॉक जो है, देखिए ये बोरन फैमिली है, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये कार्बन फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीवी लेड कहते हैं इनको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मत, और ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसटीटी, और ये नोबल गैसेज है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनो, रेडॉन, ये नोबल गैसेज है, इनर्ट गैसेज कहते हैं, जीरो ग्रुप की गैस भी कहते हैं। ये देखा जाए तो 336 है टोटल, तो ये आप याद कर सकते हैं। अब मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, तो ये देखिए एक बोरन फैमिली में खाली बोरन मेटलॉइड्स है और कार्बन फैमिली में खाली सिलिकॉन ही मेटलॉइड्स है और एक ये जर्मेनियम है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इसमें देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली में आर्सेनिक है और एंटीमनी है, और इसमें ऑक्सीजन फैमिली में टेलोरियम है और पोलोनियम। तो 1 2 3 4 5 6 7 सेवन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटलॉइड्स हैं। तो इधर साइड के जो मेटल्स हैं जैसे बोरन के नीचे जो है ये मेटल्स हैं और इसके नीचे सिलिकॉन के नीचे इसके ये मेटल्स हैं, इधर इधर मेटल्स हैं और ये वाले यहाँ से ये लगाए जाएँ ये मेटलॉइड्स हैं ये, और इधर नॉन मेटल जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। तो ये आपको याद करने हैं, याद करने की मैं आपको ट्रिक बताते देता हूँ किनका, बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला, तो बोरन फैमिली याद हो जाएगी, 5 13 31 49 81 ये एटम नंबर याद कर लियो, बाकी 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ा दिए। और ये देखो जो कार्बन फैमिली है इसको याद करने का ट्रिक है, कहो सीता जी सुनो प्रभु, तो ये आपको फैमिली कार्बन फैमिली याद हो जाएगी। और नाइट्रोजन फैमिली याद करने का तरीका बहुत सिंपल ट्रिक है, नेपाल पाकिस्तान, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ, तो ये आपको नाइट्रोजन फैमिली याद हो जाएगी। अब इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली में उससे
टीपीओ, ये याद कर लीजिए, उससे टीपीओ, उससे टीपीओ, तो ऑक्सीन फैमिली याद हो जाएगी। और ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टीटीन, ये नॉर्मल आप याद है ही आपको, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जीनो रेडॉन। तो हम इस तरह देखते हैं पूरी मॉडर्न पेरो टेबल में 80% एपोक्सीमेटे मेटल्स हैं और 20% में आपके नॉन मेटल्स और प्लस मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स। तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया मॉडर्न पेरो टेबल में कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं, कितने परसेंट मेटलॉइड्स हैं। तो ये पूरी आपकी मेंडलीफ की पेरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखिए, दोबारा मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, एस ब्लॉक में सभी मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ते हैं, सभी मेटल्स हैं। और डी ब्लॉक में सभी, टोटल डी ब्लॉक ये बीच में होता है, इसमें सभी मेटल्स हैं। एफ ब्लॉक जो है ये नीचे है एलिमेंट, एफ ब्लॉक में सभी मेटल्स हैं 58 से लेकर 71 तक, एक्टिनाइड सीरीज, लैंथेलाइन सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। खाली ये पी ब्लॉक ऐसा है, इसमें मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और मेटल, तीनों खाली पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। इस तरह आप मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स पूरी मॉडर्न पेरो टेबल में आसानी से याद कर सकते हैं। आज का टॉपिक इतना ही है, बाकी आप चैनल को, चैनल का नाम है MS 1992, आप सब सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।